यार मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं कैथल टीवी। लगातार कैथल जिले में जो चोरी की वारदातें हो रही हैं उसको लेकर अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई और उन चोरों को साफ तौर पर एक चेतावनी भी है और एक एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया है। इस समय मेरे साथ सिविल लाइन थाने के SHO वीरभान जी हैं कि किस तरह का प्लान जो है वो बनाया गया और उन चोरों को किस तरह से अब पकड़ा जाएगा और चोरी की जो वारदातें होती हैं उनको किस तरह से रोका जाएगा। वीरभान SHO हमारे साथ, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? वेरी फाइन सर। लगातार चोरी की वारदातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, उसको लेकर किस तरह का प्लान बनाया गया, क्योंकि अभी आप सिविल लाइन थाने के SHO जो है वो नियुक्त किए गए हैं, तो किस तरह से इस एरिए में चोरी की वारदातों को रोकने के लिए जो है वो प्लान बनाया गया है? हमारे एरिए में 3-4 पॉइंट हैं, जैसे हनुमान वाटिका है, पद्मा सिटी मॉल है और सरकारी हॉस्पिटल गेट है और मध्य मार्ग है सेक्टर 8 के साथ लगता हुआ। यहाँ से ज़्यादातर मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। हमने वहाँ पर एक एक कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है, उससे अलग से राइडर को भी तैनात किया गया है। भाई हर 15 मिनट में एक पॉइंट पर जाएंगे, वो लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। फिर भी कोई व्हीकल चोरी होता है तो जनता से अपील की जाती है तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि नाकाबंदी करके उनको राउंड अप किया जा सके। तो इन चारों जगह पर सर अलग से मुलाजिम जो है वो बिठाया गया है ताकि इन चोरी की वारदातों को रोका जा सके? हाँ, इन चारों पॉइंटों में अलग 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 से मुलाजिम लगाएगी ड्यूटी और उससे अलग राइडर को लगाया गया है एक्स्ट्रा। तो कितने राइडर जो हैं सर वो गश्त करते हुए नजर आएंगे दिन में? 4 राइडर हैं हमारी, वो गश्त करते नजर आएंगे और चारों जगह पर अलग अलग मुलाजिम उससे एक्स्ट्रा नजर आएंगे। सर फिर भी अगर चोरी की वारदात को चोर अंजाम दे जाता है इस दौरान भी, तो उसके लिए क्या प्लान बनाया गया है? इसके लिए प्लान हमारे नाके हैं, उनको अगर जिसकी बाइक भी चोरी होती है वो तुरंत पुलिस सूचना दे ताकि नाकाबंदी करके और राइडर को भी टिकरे राउंड अप किया जा सके। बिल्कुल साफ तौर पर अब पुलिस जो है चोरों को पकड़ने के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से कैथल के जो पुलिस अधीक्षक हैं मकसूद अहमद, वो साफ तौर पर अब एक्शन मोड में हैं, लगातार जो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसी को लेकर जो है प्लान बनाया गया कि चोरी की वारदातों को किस तरह से रोका जाएगा, उसी को लेकर सिविल लाइन थाने के अंडर जो एरिया आता है उनमें जो मुलाजिम हैं उनको पॉइंट दर पॉइंट जो है वो लगाया गया है ताकि जहां पर ज़्यादा चोरी होते हैं वहां पे मुलाजिम जो है वो अपनी ड्यूटी देंगे। और उसके बाद जो है राइडर को भी जो है वो लगाया गया है और राइडर लगातार गश्त करता हुआ नज़र आएगा। फिर भी जिस तरह से SHO साहब ने बताया कि अगर आपकी बाइक या कोई भी संसाधन अगर चोरी होता तो उसका तुरंत प्रभाव से आप पुलिस को सूचना दें, BT करवाएँ ताकि जिस भी नुक्कड़ या जिस भी गली या किसी चौराहे पर अगर वो चोर निकलता नजर आएगा तो उसको एकदम से जो है धड़ दबोचा जाएगा, जिससे आप उस चोर को भी पकड़वा सकते हैं और बाइक जो है वो आपकी वापस भी आ सकती है। सर जनता से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे और किस तरह का सहयोग जो है वो जनता से इस समय आप मांगते हुए नजर आएंगे? जनता से अपील करें हमारे पुलिस का सहयोग करें और जब भी कोई व्हीकल चोर है तुरंत सूचना पुलिस को दे और पुलिस का साथ दे। तो जनता के सहयोग के साथ ही सर चोरों को पकड़ा जाएगा और जनता के सहयोग के साथ ही जो चोरी की वारदातें हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगवाया जा सकता है? जी, जनता सहयोग से ही चोरों को पकड़ा जाएगा। अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो ऐसे चोरों पकड़न पुलिस ना काम। सर ऐसे चोरों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे जो इस तरह की वारदातें जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं? चोरों चेतावनी देंगे आप अपने इस शहर को छोड़ के बाहर चले जाएँ, यहाँ पर ऐसी वारदात ना करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ सिविल लाइन थाना SHO वीरभान जी, जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी जो है वो दे दी गई। अगर जो भी व्यक्ति जो भी युवा इस तरह की वारदात करता हुआ नजर आता है तो वो इस शहर को छोड़ के चला जाए, अन्यथा आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है, चोरी की वारदातें जिस तरह से हो रही हैं अब उस पर अंकुश लगाया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने अब चोरों को पकड़ने का जो है वो प्लान बनाया है और प्लान आपको बता दिया है कि अब चोर जो है वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे। या तो वो इस तरह की वारदातों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना बंद करते हैं, अन्यथा कभी भी पुलिस आपके दस्तक, आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है और आपको हवालातों के पीछे जो है वो डाल सकती है। लेकिन साफ तौर पर जनता से भी अपील करती हुई नज़र आई है कि जनता के सहयोग से इस जैसी वारदातों को, जो चोर हैं जो लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, वो जनता के सहयोग से ही पकड़े जाएंगे। अगर किसी साथी की इस तरह की वारदात अगर उस साथी के साथ होते हैं वो तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचना दे ताकि जो डी प्लान, जो प्लान बनाया गया उसके अंतर्गत जो मौके पे मुलाजिम है या जो राइडर है उन तक सूचना पहुंचे और जो चोरी की वारदात को अंजाम देकर जो आपका संसाधन लेकर जो चोर जाता है तो उसको कहीं ना कहीं धर दबोचा जा सके। लेकिन जनता के सहयोग से ये सभी काम हो सकेगा, क्योंकि जनता के सहयोग से पुलिस इन चोरों पर अंकुश लगाने में जो है वो सफल रहेगी। लेकिन जनता से अपील जो है साफ तौर पर की गई है कि जनता पुलिस का सहयोग जो है वो करती हुई नजर आए। लेकिन पुलिस अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है और एक्शन मोड में अब चोरों की खैर नहीं है।